वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल india.com। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखने जा रहे हैं जनरल स्टडीज पेपर थर्ड 2016 का बीपीएससी ई का एक क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, जो कि आपका पार्ट दो होगा। पार्ट ए मैंने इसके एक दिन पहले अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लें और उसके बाद ही इस सेकेंड पार्ट को देखें। और फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन पेपर, पूरे क्वेश्चन पेपर बीपीएससी ई के 2006, 2001 और 2012 के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आगे चलने से पहले, जिन्होंने तक फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप को ज्वाइन कर लें। पेज को लाइक नहीं लाइक किए हैं तो पेज को लाइक कर लें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, गूगल प्लस पर। और अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बेल बटन को भी प्रेस नहीं किया है तो बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा कोई भी मैं अपडेट करूंगा तो। और फ्रेंड्स, बाकी सब जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, जैसे कि टेलीग्राम की लिंक, आप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आरआरबी जेई के लिए एक अलग है और बीपीएससी के लिए एक अलग होगा और आपके चैनल भी होगा, और बहुत सारे लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको भी एक बार देख लें। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कुछ 50 क्वेश्चन के बाद का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। व्हाई डिड महात्मा गांधी विड्रॉ सत्याग्रह मूवमेंट इन 1922? आपको पता है कि सत्याग्रह मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था गांधी जी के द्वारा, और जो वो ईस्वी थी 1922 थी, तो वो किस लिए किया गया था? तो ये किया गया था आपका जलियांवाला बाग किलिंग के लिए। जैसा कि फ्रेंड्स मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मैं सीधे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा और सीधे आपका आंसर बताऊंगा, क्योंकि इसमें टाइम सेव होता है, आप लोगों का भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम के लेकर। तो आगे चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। देखो अभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा का कितना है, तो अभी है 545, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन है, हु हैज स्पेंट मोर टाइम इन स्पेस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, लेकिन अगर यहाँ पे ये फीमेल के थी में पूछता तो ये क्वेश्चन सही होता। ऐसे एक मेल है जिन्होंने किया था, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, लेकिन अगर ये वोमेन्स पूछता है, क्वेश्चन इस तरीके से वोमेन्स पूछता है, तो आपके होती सुनीता विलियम्स, जो कि आपका राइट आंसर है। इन विच कंट्री नोबेल प्राइज कमिटी वर्क्स। नोबेल प्राइज कमिटी जो है वो किस कंट्री में वर्क्स करता है फ्रेंड्स? देखते होंगे, सुनते होंगे आप लोग कि नोबेल प्राइज इसमें दिया गया है, तो ये आपको बताना है। देखो एक नया तरीके का क्वेश्चन आपको मिला कि ये जो किस कंट्री में वर्क करता है, तो ये आपके यहाँ स्वीडन में, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। इन विच ईयर बिहार वाज मेड ए सेपरेट प्रोविंस। देखो आपको पता है कि बिहार और उड़ीसा जो थे साथ में थे, तो उनको सेपरेट कर कब कर दिया गया फ्रेंड्स? तो 1936 को उनको सेपरेट कर दिया गया, बिहार और जो उड़ीसा प्रोविंस थे वो अलग हो गए। Which one is कोलकाता एयरपोर्ट? देखो कोलकाता एयरपोर्ट का बताना है कि इसमें से कौन कौन से हैं, शहर, डमडम, पालम, संता क्रूज। तो आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका डमडम, ठीक है। अजंता केव्स आर सिचुएटेड इन विच स्टेट। आपको पूछा जा रहा है कि अजंता केव्स है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है, तो आपको पता है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये किस स्टेट में है फ्रेंड्स? ये महाराष्ट्र में है, आप लोग जानते होंगे इसको, बहुत पढ़े भी होंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन। अब पूछा जा रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब आया, तो वो आया आपको January 26, 1950 को, ठीक है फ्रेंड्स, 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज इन। आपको पता है कि सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए बहुत हो हल्ला भी मचा था, वो किस राज्य में है फ्रेंड्स? वो है आपका गुजरात में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करते चलें फ्रेंड्स, अगर लाइक करते हैं तो हमको नेक्स्ट वीडियो लाने में आपको हेल्प होता है और पता चलता है कि इस तरह से वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप लोग जरूर इसको लाइक करें और शेयर भी करें साथ साथ। इन विच ईयर वर्ल्ड कप क्रिकेट वाज स्टार्टेड। आपसे पूछा जा रहा है कि किस ईयर में वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप जो होता है वो कब स्टार्ट किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा आपका 1975। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर आर फाउंड एट। रिमेन्स ऑफ जो विजयनगर है वो एम्पायर का, वो कहाँ पे फाउंड किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है फ्रेंड्स? हम्पी। हम्पी आपका राइट आंसर है। इन विच ईयर इंडिया वोन द वर्ल्ड कप क्रिकेट। आपको पता है कि इंडिया जो पहली बार जो वर्ल्ड कप क्रिकेट किया था, जीता था, वो कब जीता था, तो ए आपके जीता था 1983 में, और पूछता है कि किसके कैप्टेंसी में, तो आपके कौन है? कपिल देव, ठीक है ना, कपिल देव थे जिनके कप्तानी में भारत ने विश्व कप जीता था 1983 का, और किसको हराया था फ्रेंड्स? तो वेस्ट इंडीज को। शॉर्टेज ऑफ विच फूड आइटम कॉज द गुइटर डिजीज।
यहाँ पे स्पेस होगा, ग्विटर आपको देखे होंगे, घेंघा जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो वो किस डिजीज, वो कौन से कमी, किसके कमी से होता है फूड आइटम में, तो वो आपका होता है आयोडीन के कमी से। बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आते थे 2006 में, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके ईयर आगे आते आ रहे हैं, जैसे 2012 के कुछ टफ हुए, अभी जो आप पेपर होंगे उसको भी आप लोग थोड़ा सा लेवल हाई देखेंगे। विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यहाँ तो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से बेस्ट कंडक्टर है हीट के, तो आपका कौन है, आपका मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू, जो इंडियन प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने रेजिग्नेशन यानी कि त्याग पत्र किसको देंगे, तो वो देंगे आपको फ्रेंड्स वाइस प्रेसिडेंट को, और अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है, नायडू, ठीक है ना, और वो जो होते हैं वो आपके स्पीकर होते हैं राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट। इन विच स्टेट गोल घूर्णत इज सिचुएटेड, गोल घूर्णत किस स्टेट में सिचुएटेड है फ्रेंड्स, तो ये है आपका कर्नाटका में, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, कर्नाटका में है। द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर वेयर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, देखो ये हमेशा पूछता है एग्जामों में, ये क्वेश्चन कुछ अलग अलग तरीकों से पूछता है, यहाँ पूछ रहा है आपसे कि जो वर्ड जो है सोशलिस्ट और सेकुलर जो ऐड किया गया है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपके कौन सेवा अमेंडमेंट था, तो ये आपका अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका था 42nd अमेंडमेंट, कौन सा था 42nd अमेंडमेंट, ये आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स। व्हेन इज द राज्यसभा डिजॉल्व, राज्यसभा कब डिजॉल्व होता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, नहीं, ये भी गलत, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, नहीं, ड्यूरिंग वार, नहीं, नेवर, यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा वो कभी नहीं डिजॉल्व हो सकता है। विच इंडियन प्लेयर हैज टेकन हैट्रिक इन वर्ल्ड कप, आपसे पूछ रहा है कि कौन से इंडियन प्लेयर हैं, यानी कि आपके बॉलर हैं जो हैट्रिक लिए वर्ल्ड कप में। अब हैट्रिक क्या होता है फ्रेंड्स, आपके हैट्रिक वो होते हैं कि कंसेक्यूटिव थ्री बॉल्स पे, ठीक है ना, अगर तीन विकेट लेता है कोई बॉलर तो उसको हम लोग हैट्रिक बोलते हैं, ठीक है, लगातार 1 2 3 बॉल ऐसे करके, या कभी भी पिछले ओवर के लास्ट बॉल पे या पहले ओवर में भी लेता है वो आकर, तो वो भी हैट्रिक में शामिल होता है, तो आप लोग हैट्रिक का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो वो कौन से बॉलर थे, तो ये जो बॉलर का नाम है फ्रेंड्स ये कौन थे, चेतन शर्मा, ठीक है ना। नवार्ड क्या है फ्रेंड्स, नवार्ड इज ए ब्यूरो है, बोर्ड है, बैंक है, बिजनेस हाउस है, तो ये आपका है एक तरह का बैंक है, ठीक है ना, तो नवार्ड क्या है फ्रेंड्स, बैंक है। आगे देखते हैं, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन अ स्टेट वाज फॉर्म बाय, आपको पूछ रहा है कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस, देखो हम कल देखे थे कि कौन से पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि नॉन कांग्रेस थे, यानी कि कांग्रेस से थे तो क्या थे, मुरारजी देसाई थे वो, और यहाँ पूछ रहा है कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन अ स्टेट वाज फॉर्म, तो कौन पूछा गया, कहाँ पर बनाया गया था ये, तो कम्युनिस्ट इन केरला, क्या फ्रेंड्स इसका राइट आंसर, कम्युनिस्ट इन केरला, केरला में बनाया गया था कम्युनिस्टों के द्वारा। Which one of the following is twin city? देखो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। Which one of the following is twin city, कौन है, मुंबई पुणे, हैदराबाद सिकंदराबाद, बेंगलोर मैसूर, दिल्ली फरीदाबाद, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो कौन है आपका, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। इंडियन इकोनॉमी इज ए, इंडियन इकोनॉमी क्या है, मिक्सड है, सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, फ्री इकोनॉमिक्स है, तो ये है आपका मिक्सड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी क्या है फ्रेंड्स, मिक्सड इकोनॉमी है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, वो क्या होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं फ्रेंड्स, हेड ऑफ द स्टेट, यही आपका राइट आंसर है, हेड ऑफ स्टेट होते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करते चले फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा प्लैनेट है इनमें से जो कि रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, तो ये है फ्रेंड्स आपका मार्स, क्या है, मार्स। Which of the following is not correct combination? यहाँ पे दिया गया है कुछ आपके मिलाने वाले और यहाँ से पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन से जो है correct combination नहीं है, तो चलो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग पहले छांटते हैं जो correct है, यहाँ पूछ रहा है not correct, इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है शहनाई, तो आपको पता है कि शहनाई वादक प्रसिद्ध बिस्मिल्ला खां, तो ये तो सही है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सितार, सितार क्या है फ्रेंड्स, ये है आपका अली अकबर खान, तो नहीं, इनके बारे में अगर हम नहीं जानते हैं तो छोड़ देंगे, जो प्रसिद्ध है उनके बारे में देखते हैं। तबला आपको पता है, तबला बहुत प्रसिद्ध थे, कौन, जाकिर हुसैन, तो ये भी आपका सही है। फिर सरोद, सरोद में आपको पता है कि अमजद अली खान, ये भी प्रसिद्ध थे। अब हमको देखने से लग रहा है कि ये तीनों सही है, तो यही गलत होगा, और सितार का ऐसे भी ये नहीं है राइट आंसर, अली अकबर खान नहीं होंगे, तो ये जो आपका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका बी हो जाएगा। विच स्टील प्लांट वाज बिल्ट विथ रशियन हेल्प,
कौन से स्टील प्लांट को रशियन के द्वारा बनाया गया था, हेल्प के द्वारा बनाया गया था, कहाँ के स्टील प्लांट को, आपसे ऑप्शन जो है इस तरीके से पूछा गया है, भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, बोकारो। तो ये आपका बोकारो जो कि पहले बिहार में था फ्रेंड्स और ये अब झारखंड में है। अबाउट हाउ मेनी यूनिवर्सिटी आर देयर इन इंडिया, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है, हम बता चुके हैं कि जो भी हम आंसर आपको बता रहे हैं वो 2006 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे है कि अबाउट हाउ मेनी यूनिवर्सिटी आर देयर, उस समय 700 यूनिवर्सिटी था टोटल, ठीक है ना। लेकिन अगर अभी फिलहाल की हम लोग बात करते हैं तो 789 यूनिवर्सिटीज हैं फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू 2017 सर्वे के अनुसार, ठीक है ना। 2017 के अनुसार आपके कितने टोटल यूनिवर्सिटी, 789। अगर कॉलेजेस की बात करते हैं तो 37,000 समथिंग है, ठीक है ना, 904 या 204 हैं जो कॉलेजेस हैं जो कि यूजीसी में है आपके। विच ऑर्गेन ऑफ प्लांट परफॉर्म्स रेस्पिरेशन, तो ये आपको पता है, रूट होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, हु वर्क फॉर द सर्विस ऑफ द ब्लाइंड पीपुल, किन्होंने वर्क किया सर्विस, किन्होंने सर्विस किया ब्लाइंड पीपल के लिए, तो हेलेन केलकर, इनका जो राइट आंसर है वो क्या है फ्रेंड्स, हेलेन केलकर, ठीक है। मदर टेरेसा का आपको पता है किसके लिए दिया जाता है और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। एनी बसंत कौन है, आपको सबको पता होगा उसमें। विच इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ दिया है ये आपसे, पूछा है कैपिटल ऑफ मिजोरम, ठीक है ना। ये तो क्या है, ऐजोल है, आपको पता है। ये जो है मणिपुर, क्या है मणिपुर का है ये, इम्फाल। अगरतला किसका है, त्रिपुरा का। ये कोहिमा किसका है, नागालैंड का। तो आप समझ गए, तीनों को भी जानते हैं तो ऐसे इसको कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऐजोल है। ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। इन विच स्टेट राउरकेला स्टील प्लांट इज लोकेटेड, अब पूछ रहा है कि राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, तो आपका किस में है फ्रेंड्स, उड़ीसा में है, ठीक है। कौन सा होगा वो, उड़ीसा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेवलपमेंट बैंक, तो इसमें से कौन सा है जो आपके डेवलपमेंट बैंक नहीं है। तो इन सब के सबसे पहले आपको फुल फॉर्म भी यानी कि अब्रीवेशन आपको याद कर लेने हैं। तो यूटीआई जो है वो फ्रेंड्स आपका डेवलपमेंट बैंक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया नॉट ए डेवलपमेंट बैंक। हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, देखो बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, हमेशा कभी कभी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वायसराय ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ, ऐसे करके आपके क्वेश्चन बनते थे। यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, तो यह आपके केसी करियप्पा थे, आपको पता है। तो ये आपका राइट आंसर है। When were the Indian state recognized, reorganized on the basis of language? Reorganized हुआ friends, Indian state on the basis of language, वो कब हुआ वो आपको इस भी पूछ रहा है इसमें, तो वो है आपका 1956, ठीक है ना friends, 1956 जो है आपका right answer है। Against which country Kapil Dev scored 175 runs in the World Cup? देखो इसका answer तो जो इन्होंने दिया है वो गलत दिया था, लेकिन इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो जिम्बाब्वे होगा, उन्होंने वेस्ट इंडीज दिया था, लेकिन नहीं, जिम्बाब्वे के खिलाफ कपिल देव ने आपके 175 स्कोर किए थे और वो वर्ल्ड कप जो था वो 1983 का था जहाँ पे भारत जीता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज, सबसे ज़्यादा ग्रोथ ऑफ चाइल्ड के लिए यानी कि बच्चे के ग्रोथ के लिए कौन से इसमें से जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है, तो है आपका प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन जो कि सेल्स बनाने में हेल्प करता है, इसलिए फ्रेंड्स बच्चों को लिए ज्यादा प्रोटीन जरूरी है। विच इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, आ गया एक और, तो ये आपका 21 जून, 21 जून होता है वो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डज नॉट हैव ए यूनिट एक्ट, आपको पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसका जो ब्रांच कहां पे नहीं है, डोंट हैव यहां पे पूछा है, डज नॉट हैव, तो यहाँ नासिक, बेंगलोर, लखनऊ, कोलकाता, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या होगा, कोलकाता, कोलकाता में इसका कोई ब्रांच नहीं है। इन इंडिया पंचायती राज वाज स्टार्टेड इन, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिविक्स से आपसे पूछते हैं, पॉलिटिकल साइंस से, तो ये है आपका 1959, और जो पहला राज था फ्रेंड्स वो कौन था ये भी पूछ सकता है, तो आपका था राजस्थान, ठीक है ना। दूसरा राज क्या था आपका, आंध्र प्रदेश, और ऐसे ही करके आप लोग याद कर लोगे, ये दो तो पहले, पहला पे ये और सेकंड पे ये, और आई थिंक कि नाइन्थ पे आपका महाराष्ट्र था, ठीक है ना, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया, तो ये है आपके न्यूटन, आप जानते होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े भी होंगे आप लोग।
10 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एट फ्रेंड्स डे से जरूर पूछता है। कल की वीडियो में भी हम लोगों ने देखे थे दो क्वेश्चन डे से पूछे थे और समझ सकते हैं कि अगर 100 में से आपके तीन क्वेश्चन डे से पूछता है तो आपके तीन मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पे। और आपको पता है कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं है फ्रेंड्स, इसमें आपको मैक्सिमम नाम मार्क्स उठाने हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो क्या है आपका जो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है आपका ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हु वाज द रूलर इन इंडिया व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश। आपको पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था और यहाँ बता था उस समय आपके यहाँ पे जो रूलर थे वो कौन थे, तो वो आपका था जहांगीर, ठीक है ना फ्रेंड्स, जहांगीर था। वेयर इज द निर्वाण स्थला डेथ प्लेस ऑफ बुद्धा, तो ये फ्रेंड्स है आपका कुशीनगर। हु आर द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। देखो एक और कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा तो कांग्रेस का इतना बड़ा इतिहास है कि इससे एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। अगर इंडियन कांग्रेस के पढ़ लेंगे थोड़ा सा तो उससे एक दो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो क्या होगा आपका, आप लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू आपका राइट आंसर होगा। इन विच इलेक्शन कांग्रेस पार्टी वन मैक्सिमम सीट्स इन लोकसभा। अब आपसे इस तरह से क्वेश्चन तो पूछ दिया, अब इस तरह से पूछ सकता है किसके शासन काल में, वो अलग से क्वेश्चन बनेगा, उसका भी मैं आंसर बताता हूँ। तो ये जो पूछ रहा है कि किस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने मैक्सिमम सीटें जीती, तो ये है आपका 1971, ठीक है ना। और इस समय जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था वो इंदिरा गांधी को बनाया गया था। अब पूछता कि किसके शासनकाल में, तो आपके वो इंदिरा गांधी के एरिया में आप बता सकते हो। अगर ऐसे ही पूछता है कि बीजेपी ने मैक्सिमम सीटें कब जीती लोकसभा की, तो आप बोलेंगे 2014 में, ठीक है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल प्लस पे। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।